नजमेशन ये क्यों नौजवानों कोरमु कुछ रोजगार चास कुछ में कश्मीर का मसला हल करेगा वो निरंतर मोदी साहब हल करेगा। आज चुनाव कश्मीर में लोगों को सब एंट्री हो गया रियासत जो आना था यहाँ पर या आज मेंबरशिप ड्राइव था हमारी पार्टी का जो हमने एक साल पहले हमारी पार्टी लॉन्च हुई थी ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी इसका आज मेंबरशिप ड्राइव हमने यहाँ स्टार्ट किया है इसीलिए आज हम गांधीनगर आए। भट्ट साहब आपने बात की कि हम यहाँ पे टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खात्मा करने आए हैं और सेंटर में यही बात बीजेपी करती है इस हवाले से आपने बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात की इसका क्या मतलब हम निकाले? हमने ये बोला खात्मा कौन करेगा क्या करेगा हमने ये बात बोली है कि 70 साल एनसी ने यहाँ पर हुकूमत की 12-13 साल पीडीपी ने की है जो वादा उन्होंने लोगों के साथ किया वो उन्होंने निभाया नहीं है। हमने जो वादा किया अभी तो हमने कोई वादा ही नहीं किया है हमने वादे के बगैर गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट दिया है गांधरबल को अस्पताल दिया है ये गुलाम नबी आज़ाद की मेहरबानी है। जब हम इकदार में आएंगे हम गांधरबल के जो मसले हैं वो हल करेंगे खासकर यहाँ का मसला है इम्पोर्टेंट टिपर वालों का यहाँ का मसला बाजरी का है यहाँ का मसला रेत का है अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो हम प्रायोरिटी पर हल करेंगे। यहाँ ज़मीन का मसला है उसको हमने पेंडिंग रखा था और अगर कोई भी हरकत उसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे हमारी पार्टी। यहाँ का दूसरा मसला है वो हम हल करेंगे यहाँ सोनमर्ग को हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे जब हमारी हुकूमत आएगी। आप देखना 2.5 साल में जितना काम गुलाम नबी आज़ाद ने किया है टूलिप गार्डन देखो आज हजारों के लाखों की है। आप देखो हज हाउस असम्बली म्यूजियम बादामी वारी पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में उसने 3 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज दिया कुपवारा में कैंसर अस्पताल दिया ब्लॉक तहसील हमने ये वादा नहीं किया है वादे के बगैर इतने डिस्ट्रिक्ट हमने कौन गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट देता है दो कानेश्वर जी को डिस्ट्रिक्ट दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने आज 50 दफ्तर उस बिल्डिंग में है आज आपको श्रीनगर नहीं जाना पड़ता है 1.5 घंटा मुझे लगता है श्रीनगर से इधर अनंतनाग में मुझे 25 मिनट लगते हैं इसको भी नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत है। लिहाजा जो भी मसला गांधरबल का हो वो प्रायोरिटी पर इंशाल्लाह रहमान हमारे माइनाज लीडर आफ्टर मस्याम ईद के बाद यहाँ आएंगे एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे उसमें हम वादे करेंगे और खासकर यहाँ बिजली होती नहीं है यहाँ 1500 बिल आती है आज सबको मार अप्रैल से मैं जम्मू में था श्रीनगर में रहता हूँ बीच बीच में मुझे 8000 रुपये 3 महीने बिल आई क्वार्टर बंद था जुल्म है हम पर मैंने आज़ाद साहब को बताया ये होनी चाहिए 400 यूनिट गरीब जिस तरह केजरीवाल ने किया उस पैटर्न पर हम भी 400 यूनिट फ्री देंगे हम पानी का बिल खत्म करेंगे वो जो बिल आता है पानी का क्या पानी दुनिया है इधर रियासत में सबसे ज्यादा पानी अगर है वो कश्मीर में है हम उसको पैसा देंगे अगर, वो बिल भी फ्री देंगे। अगर इलेक्शन होता है तो आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा? हमारा मुकाबला रहेगा पार्टियों के साथ किसके कौन क्या पता कहाँ किसके साथ रहेगा किसी डिस्ट्रिक्ट में एनसी के साथ रहेगा किसी में पीडीपी के साथ किसी में बीजेपी के साथ रहेगा इंशाल्लाह रहमान लोग चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद को इतने लोग ज्वाइन करते हैं जो रिजनेबल लोग होते हैं वो मुझे मैं अभी इधर था मुझे 4 लोग मिले यहाँ आपको लगता है जीत पाएंगे? हाँ यस व्हाई नॉट उनके पास सीख है तो हमारे पास नहीं है मैं एमएलए बना मैं किस तरह मैंने 28,000 वोट लिया है और सरताज मदनी को 8,000 वोटों से आ रहा है इस साल तो उसको 20,000 से आ रहा हूँ। अमीन साहब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो फैसले आते हैं क्या वो गलत आते हैं? वो गलत आते हैं उनकी हम मजम्मत करते हैं एलजी साहब इंशाल्लाह रहमान उसको हम बहकाएंगे इधर पब्लिक हुकूमत गुलाम नबी आजाद रियासत का चीफ